फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले बाकी के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को, उन सोल्यूशंस को नहीं देखा, तो हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल पर सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दे रखा है, इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फारेनहाइट टू सेल्सियस। तो यहाँ पर हमको दे रखा है कि एक, देखिए, जैसे यूएसए और कनाडा जैसे देशों में जो है, ये हमारे, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में टेम्परेचर सेल्सियस में मेज़र किया जाता है, पर बाहर यूएसए कनाडा इन यहाँ पर फारेनहाइट में किया जाता है मेज़र। तो हमें एक इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन जो है, जो कि फारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो है हमारा कि फारेनहाइट से सेल्सियस से फारेनहाइट में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट किया जाए, उसका फॉर्मूला है ना, वही तो है, F इज इक्वल्स टू C इंटू 9/5 प्लस 32, ये तो उसी का फार्मूला है। तो यही फार्मूला हमको दे रखा है, ठीक है। फिर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर y एक्सिस, ठीक है। तो सेल्सियस को हमको x एक्सिस पे लेना है और फारेनहाइट को y। तो चलिए इसका हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फारेनहाइट हमारा क्या हो जाएगा, हमको ये दे रखा है तो हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमारा फारेनहाइट क्या आ जाएगा, फारेनहाइट हमको बोला है वाई लेने के लिए, तो वाई इज इक्वल्स टू 9/5, 9/5, थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, 9/5 इंटू सी हमारा क्या था, एक्स लेना है, प्लस 32, 32 जिसको, ठीक। इसका वैल्यू हमको निकालना, तो अगर देखिए एक्स हम ले लेते हैं 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, सिंपल। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर इसको देख लीजिएगा। देखिए, अगर एक्स को 0 ले रहे हैं तो वाई हमारा 32 आ जाएगा, एक्स को -40 लेंगे तो वाई भी हमारा -40 आ जाएगा, ठीक ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में होगा, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं फटाफट से अपना। देखिए, 1, 2, 3, इधर इतना ही ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4, सॉरी यहाँ पर हम ये वैल्यूज ना लेकर क्या ले लेते हैं, मैं बता रहा हूँ, 8 का हम ले लेते हैं, -8, -16, 24, 32, 40, बस 40 तक ही तो है, 40 तक हमने ले लिया मान लिए। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 0, -1, -2, इस तरीके से 1, 2, 3, 4। तो x एक्सिस सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, x पे एक्सिस पे 0 है, y पे 32 है, यहाँ पर भी 8 रहेगा, 8, 16, 24, 32, ठीक। x पे 0, y पे 32, यहाँ पर पॉइंट आ गया 0, 32, ये ठीक। फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 40 -40, तो यहाँ पर हम 40 भी ले लेते हैं। तो देखिए, 40 हमारा इस साइड पे आएगा, इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पे हमारा 40 आएगा, मैं मान लीजिए यहाँ पर ले ले रहा हूँ। तो उसके बाद हम इन दोनों लाइंस को आपस में इस तरीके से मैच कर देंगे, ठीक है। और जब हम इस तरीके से इन दोनों को मैच कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा ग्राफ। और यहाँ पर हम लिख देंगे 1 unit = 8 cm, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 सेल्सियस डिग्री, व्हाट टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो हमको इसको
सेल्सियस डिग्री दे रखा है, फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फटाफट से करते हैं। तो चलिए देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू सी प्लस 9/5, सॉरी सी इंटू है सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है यही तो है। आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से जिस तरह बुक में दिया है उस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। एफ इक्वल्स टू सी कितना है 32 है, सॉरी 30 है इंटू 9/5 प्लस 32 यहाँ है, 5 × 5 = 36 ये आ गया, ठीक है 6 से कट गया हमारा। फिर 54 9 × 6 = 54 प्लस 32 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 86। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आ गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से, ठीक है। तो इसी वजह से कर देते हैं हम, एफ इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, यही है ना। तो देखिए फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है 95, कितना 95 इज इक्वल्स टू 9/5, ठीक, यहाँ पर सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये 32 को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो 95 - 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी, ठीक है। तो ये माइनस करने पे हमारे पास आएगा 63, 5 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे इंटू 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9c, ठीक है ये आ गया हमारा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो 63 को हम 5 से ऐड करेंगे कितना आएगा 5 × 15 = 5 = 36, तो 315/9, 9 को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, एक सेकेंड, 315/9 इक्वल्स टू सी काट देंगे तो कट के आ जाएगा हमारा 35, तो हमारा क्या आ गया सी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, मीन्स ये डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ये आ गया हमारा आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट व्हाट इज इन सेल्सियस। हमको 0 फ़ारेनहाइट पे दे रखा है उसको सेल्सियस में एक बार दिखाना है, एक बार फ़ारेनहाइट को दे रखा है उसको सेल्सियस में दिखाना है, और एक बार सेल्सियस दे रखा है उसको फ़ारेनहाइट में दिखाना है। फटाफट से करते हैं, इफ़ द टेम सबसे पहले हम लिखते हैं इफ द टेम्परेचर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ टेम्परेचर का, इज़ 0 सेल्सियस डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा फार्मूला क्या आएगा एफ, ये इधर माइनस लग रहा है, एफ इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, यही तो है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले में हम फटाफट से पुट करते हैं, हमारा क्या दे रखा है, हमारा टेम्परेचर सेल्सियस 0 डिग्री दे रखा है, तो एफ इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 + 32, यही तो है। तो हम इसको करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 32, तो इसको ये आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो आएगा। फिर आगे देखते हैं, फिर इफ द टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ये है। तो इसमें इसको भी उसी तरीके से हम पुट करेंगे, फटाफट से करते हैं, सेल्सियस प्लस 32 फार्मूला लिख लीजिएगा पहले आप, तो यहाँ पर 0 हो गया इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, 32 को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो आके माइनस 32 हो जाएगा, माइनस 32 9/5 इंटू सी, ये आ गया।
तो उसके बाद हम 9/5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर है -32 इंटू 9/5, पूरा जो है टर्म हम उठा के इस साइड में शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए, पहले हम 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 160। किस में? प्लस में? गलत, माइनस में आएगा क्योंकि साइन माइनस का है। अपॉन 5, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 5 और 5 15, और ये पॉइंट में आएगा। सॉरी, यहाँ पे 5 से कैंसिल नहीं किया जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 9 डिवाइड होगा। इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 17.77 डिग्री। तो इसका मतलब 17.77 डिग्री सेल्सियस, ये तो आएगा। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से। 5th क्वेश्चन है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। तो हमको दे रखा है एक न्यूमेरिकली जो है एक कोई एक टेम्परेचर है पर्टिकुलर, कोई एक टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट में भी उतना है, सेल्सियस पे भी उतना है। तो हमें तो वैसे पता है कि -40 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस जो है क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस जो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ये जो है, ये दो हमारे ऐसे जो है हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, हमेशा रहेंगे, ऐसे पॉइंट्स हैं। तो हम अब इसको न्यूमेरिकली फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे F=C, हमको फाइंड करना है, ठीक है, फटाफट से करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, F=9/5C+32, ठीक, ये हो गया, कॉमा लगा देते हैं। फिर F=9/5, यहाँ पर भी F लिख देते हैं, 32, ठीक है। तो देखिए F-9/, इसको हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है, पूरे पूरे टर्म को उठा के हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास इधर बचेगा क्या, 32, देन कॉमा लगाएंगे, इस पूरे टर्म को इस साइड जब शिफ्ट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, -4 अपॉन, यहाँ पर ये लिखेंगे -4 अपॉन 5, यहाँ पर F रहेगा, ठीक है, =32 और कॉमा लिख करके हम लिख देंगे F=-40, इधर मैं लिख दे रहा हूँ F=-40, ठीक। आगे लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यस, -40 इज न्यूमेरिकली सेम इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, सेल्सियस बोथ। इसका मतलब कि हमारे जो है दोनों में न्यूमेरिकली -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको क्लास 9th NCERT मैथ्स के सॉल्यूशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।